नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। अमेठी दौरे पर जाएंगी सपा नेत्री, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेठी दौरे पर जाएंगी सपा नेत्री अपर्णा यादव, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अहोरवा भवानी मंदिर में करेंगी दर्शन पूजन, जायसी पार्क में संवाद करेंगे अपर्णा, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगी अपर्णा यादव। अमेठी दौरे पर जाएंगी सपा नेत्री अपर्णा यादव। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है अपर्णा। अहोरवा भवानी मंदिर में करेंगी दर्शन पूजन, जायसी पार्क में संवाद करेंगे अपर्णा। भारत में बढ़ा ओमिक्रॉन का खतरा, बड़ी खबर सामने आ रही है। देश में चौथा ओमिक्रॉन का केस मिला, स्वास्थ्य विभाग को किया गया अलर्ट। दक्षिण अफ्रीका से मुंबई लौटा था शख्स संक्रमित। भारत में बढ़ा ओमिक्रॉन का खतरा, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। देश में चौथा ओमिक्रॉन का केस मिला, स्वास्थ्य विभाग को किया गया अलर्ट। दक्षिण अफ्रीका से मुंबई लौटा था युवक, भारत में बढ़ा ओमिक्रॉन का खतरा, देश में चौथा ओमिक्रॉन का केस मिला, स्वास्थ्य विभाग को किया गया अलर्ट। बड़ी खबर सामने आ रही है, दक्षिण अफ्रीका से मुंबई लौटा था संक्रमित शख्स। लखनऊ की हवा में सुधार नहीं, बड़ी खबर सामने आ रही है। केजीएमयू की ओपीडी में बढ़ी मरीजों की संख्या, सामान्य दिनों के मुकाबले 50% ज्यादा। अलीगंज इलाके में सबसे ज्यादा प्रदूषण, बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश में AQI के मामले में सबसे आगे। लखनऊ की हवा में सुधार नहीं, बड़ी खबर सामने आ रही है। केजीएमयू की ओपीडी में बढ़ी मरीजों की संख्या, सामान्य दिनों के मुकाबले 50% इजाफा। अलीगंज इलाके में AQI सबसे बुरी स्थिति में, प्रदेश में AQI के मामले में सबसे आगे। लखनऊ की हवा में सुधार नहीं, केजीएमयू की ओपीडी में बढ़े मरीजों की संख्या, लगातार प्रदूषण के जो स्तर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अलीगंज इलाके में सबसे ज्यादा प्रदूषण पाया जा रहा है और प्रदेश में AQI के मामले में सबसे अव्वल है ये स्थान। लखनऊ की हवा में सुधार नहीं, केजीएमयू की ओपीडी में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जिन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, प्रदूषण के कारण अन्य बीमारियां हो रही हैं। अलीगंज इलाके में सबसे ज्यादा प्रदूषण देखने को मिल रहा है, प्रदेश में AQI के मामले में सबसे अव्वल है। भारत में बढ़ा ओमिक्रॉन का खतरा, बड़ी खबर सामने आ रही है। देश में चौथा ओमिक्रॉन का केस मिला, इस खबर पर हमारे ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता नितिन जुड़ चुके हैं। नितिन, जिस तरह से चौथा मरीज मिला है, तो कम से कम एक मरीज से कितने संक्रमित हो गए होंगे, कितने संक्रमित माने जा सकते हैं इस वक्त देश में? देखिए, लगातार जो ये ओमिक्रॉन के मरीज है उनकी संख्या जो है उसकी वृद्धि हो रही है और ये अपने में बहुत ही बड़ी समस्या है, क्योंकि ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है और अब मरीज अभी लेटेस्ट में मिला है, अब उसकी टेस्टिंग होगी और उनके साथ उसकी ट्रेसिंग करी जाएगी, जो उसमें बीते दिनों किससे मुलाकात करी, किससे मुलाकात नहीं करी, किससे किसके संपर्क में वो आया है और उसके बाद उसकी सबकी ट्रेसिंग करी जाएगी और सबका जो सैंपल है वो लिया जाएगा। प्रदेश सरकार की तरफ से ओमिक्रॉन को देखते हुए जो विदेशी से आने वाले लोग हैं, पर्यटक हैं, उनकी जो टेस्टिंग है इसके लिए भी सरकार ने निर्देश दिए हैं, लेकिन जिस तरह से केसेस की संख्या बढ़ रही है, जिस तरह से राजधानी लखनऊ में मरीज मिला है, वो अपने में चिंताजनक विषय है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर में हमारे संवाददाता नितिन जुड़े थे। तो लगातार सरकार एक्टिव मोड में नजर आ रही है, जितने भी विदेशी नागरिक हैं उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है, अलग से आइसोलेट करके उनका नजर रखी जा रही है उनके ऊपर कि आखिर उनके क्या लक्षण है और उनके कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग भी की जा रही है, ताकि अगर उनके संपर्क में आए कोई भी लोग संक्रमित हुए हैं तो उनका भी पता चल सके। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री आवास तक निकाली कैंडल मार्च, पुलिस ने शिक्षक अभ्यर्थियों पर किया लाठी चार्ज,
कई अभ्यर्थी लाठी चार्ज में हुए घायल। बीते 5 महीने से धरने पर बैठे थे अभ्यर्थी। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, 79,000 शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ी बड़ी खबर। और इस खबर पे भी हमारे साथ संवाददाता नितिन कुमार जुड़े हुए हैं। नितिन, जिस तरह से लाठी चार्ज हुआ है, क्या कहेंगे? एक तरफ प्रदर्शन चल रहा है बीते 5 महीनों से, सुनवाई नहीं हो रही है, और जब कैंडल मार्च निकाला जाता है तो लाठी चार्ज की जाती है। देखिए, कैंडल मार्च निकालने से अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती और 22,000 शिक्षक भर्ती वाले जी, और शांतिपूर्ण तरीके से कैंडल मार्च निकालने से मुख्यमंत्री के आवास तक जाने की उनकी मंशा थी, लेकिन रास्ते में ही 10 चौराहे से जो मुख्यमंत्री आवास की तरफ जो रास्ता जाता है, वहीं पर ही पुलिस ने रोक करके इनके पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। और लाठी चार्ज भी इतनी बर्बरता से हुआ है कि कई ऐसे जो इसमें अभ्यर्थी थे उनको गंभीर चोटें आई है, कुछ सड़क पर गिर गए, उसके बाद में घसीटने का भी प्रयास पुलिस की तरफ से किया गया है। ये शांतिपूर्ण तरीके से भी अगर लोकतंत्र में अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं अभ्यर्थी, तो उनके ऊपर लाठी चार्ज किया जा रहा है, ये अपने बहुत ही संवेदनशील है और एक लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले उनकी बात नहीं मानना, फिर अगर वो प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनके ऊपर लाठी चलाना, ये जो फैशन है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश पुलिस का, ये कहीं ना कहीं समस्या में डाल सकता है प्रदेश सरकार को आने वाले चुनाव में। जी नितिन, जिस तरह से लाठी चार्ज की तस्वीरें सामने आई, इसके बाद विपक्ष का क्या कहना है? देखिए, विपक्ष की तरफ से लगातार इसको लेकर ट्वीट किए गए हैं, चाहे वो आप सांसद संजय सिंह हो, उन्होंने कहा है कि नौजवानों के ऊपर इतनी बर्बरता और इस तरह से करना वो बहुत ही गलत है, और ये कहीं ना कहीं सत्ता के नशे में चूर है लोग, इस तरह से किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने भी इस पर ट्वीट किया और उन्होंने कहा है कि युवा आप जानते हैं, और युवा आप आने वाले दिनों में बीजेपी को बिल्कुल से नकार देगा, यह आखिरी दौर है बीजेपी का। इस तरह के ट्वीट जो है वो अखिलेश यादव की तरफ से भी किए गए हैं, उन वीडियो को ट्वीट किया है इन नेताओं ने जिसमें लाठी चार्ज हो रहा है, तो इस तरह के जो विरोध है वो भी विपक्ष की तरफ से दर्ज कराए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता नितिन जुड़े थे। सीधे तौर पर पुलिस का जो रवैया देखने को मिला है, इस पर कई सवाल उठ रहे हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने किया ट्वीट, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, भाजपा सरकार पर जमकर बरसे अखिलेश। भाजपा राज में भावी शिक्षकों पर लाठी चार्ज, भावी शिक्षकों पर लाठी चार्ज किया गया। अखिलेश ने अपने ट्वीट में 69,000 भर्तियों शिक्षक भर्ती की जो मांगे हैं उसको लेकर ट्वीट किया है। लिखा है कि हम 69,000 शिक्षक भर्तियों के समर्थन में है, युवा कहे आज भाजपा के राज में भावी शिक्षकों पर लाठी चार्ज करके विश्व गुरु बनने की मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। हम 69,000 शिक्षक भर्ती की मांगों के साथ है, अखिलेश ने ट्वीट किया। युवा कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा, ये नारा लिखा है अपने ट्वीट में। भावी शिक्षकों पर लाठी चार्ज किया गया, अखिलेश ने अपने ट्वीट में लिखा। सीधे तौर पर बीजेपी पर जमकर बरसते हुए नजर आए अखिलेश, वीडियो भी ट्वीट करा है अखिलेश ने। जिस तरह की तस्वीरें सामने आई है, पुलिस द्वारा जिस तरह से लाठी चार्ज किया गया है, पूरी घटना को ट्वीट करते हुए जमकर निशाना साधते हुए नजर आए अखिलेश। भाजपा के राज में भावी शिक्षकों पर लाठी चार्ज करके विश्व गुरु बनने की चाह रख रही है बीजेपी, इस तरह का ट्वीट करा है, और साथ ही लिखा है कि हम 69,000 शिक्षक भर्ती की मांगों के साथ है, युवा कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा, ये ट्वीट किया गया है अखिलेश की तरफ से। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, यूपी टेट पेपर लीक मामले में सीसीटीवी फुटेज आया सामने। आरोपी और परीक्षा नियामक प्राधिकरण की मुलाकात, पीएनपी संजय उपाध्याय राय अनूप से मिले थे। 23 अक्टूबर को नोएडा के एक होटल में मुलाकात, 26 अक्टूबर को राय अनूप की कंपनी को मिला ठेका। यूपी टेट पेपर छापने का ठेका मिला था, दोनों की मुलाकात की वजह तलाश रही एजेंसियां।
लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी टेट पेपर लीक मामले में सीसीटीवी फुटेज आया सामने। लखनऊ से इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। कोरोना के मामले में हुई बढ़ोतरी। बीते 24 घंटे में 27 लोग कोरोना पॉजिटिव। 27 नए मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप। ग्रेटर नोएडा में कोरोना के 9 नए मरीज मिले। लखनऊ में कोरोना के 2 नए मामले आए सामने। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 116। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कोरोना के मामलों में हुई बढ़ोतरी। बीते 24 घंटे में 27 लोग कोरोना पॉजिटिव। 27 नए मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप। ग्रेटर नोएडा में कोरोना के 9 नए मरीज मिले। लखनऊ में कोरोना के 2 नए मरीज मिले। आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने किया ट्वीट। बड़ी खबर सामने आ रही है, अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर किया ट्वीट। इन्हीं नौजवानों ने सत्ता के शिखर तक पहुंचाया। अब सांसद ने किया ट्वीट, बेरोजगारों पर हो रहा जुर्म। सत्ता के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने किया ट्वीट, आदित्यनाथ जी जितना मन चाहे इन बेरोजगार नौजवानों को पिटवा लीजिए। ट्वीट करा है और साथ ही लिखा है, इन्हीं नौजवानों ने आपको सत्ता के शिखर तक पहुंचाया है, बेरोजगार पर हो रहे जुर्म, आपकी सत्ता में बदलाव लाएंगे। इस तरह का ट्वीट लिखा है। लिखा है, सत्ता के ताबूत में यह आखिरी कील साबित होगी। आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने किया ट्वीट, अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर किया ट्वीट, इन्हीं नौजवानों ने सत्ता के शिखर तक पहुंचाया, बेरोजगारों पर हो रहा जुर्म, सत्ता के ताबूत में यह आखिरी कील साबित होगी। लखनऊ में मिला मिराज फाइटर जेट का टायर। लखनऊ के शहीद पथ से चोरी हुआ था टायर। चलते ट्रक से रस्सी काट कर चोरी हुआ था टायर। अजमेर जा रहा था वायुसेना का सामान। पीकेटी वायुसेना स्टेशन पर 2 युवकों ने सौंपा टायर। लखनऊ में मिला मिराज फाइटर जेट का टायर। बड़ी खबर सामने आ रही है, लखनऊ के शहीद पथ से चोरी हुआ था टायर। चलते ट्रक से रस्सी काट कर चोरी हुआ था टायर। अजमेर जा रहा था वायुसेना का सामान। वायुसेना स्टेशन पर 2 युवकों ने सौंपा टायर। लखनऊ में मिला मिराज फाइटर जेट का टायर। लखनऊ के शहीद पथ से चोरी हुआ था फाइटर। मथुरा में हिंदूवादी संगठन का बड़ा ऐलान, शाही ईदगाह मस्जिद में जलाभिषेक करेंगे, भगवान लड्डू गोपाल का करेंगे जलाभिषेक। मस्जिद के पास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। 6 दिसंबर को जलाभिषेक का ऐलान किया गया। मथुरा में हिंदूवादी संगठनों का बड़ा ऐलान, शाही ईदगाह मस्जिद में जलाभिषेक करेंगे, भगवान लड्डू गोपाल का करेंगे जलाभिषेक। मस्जिद के पास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। 6 दिसंबर को जलाभिषेक का ऐलान। मथुरा में हिंदूवादी संगठनों का बड़ा ऐलान, शाही ईदगाह मस्जिद में जलाभिषेक का ऐलान। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।